Hello everyone, my name is Snigdha Gupta and I am one of the founders at Mansarovar Law Center, and I have been teaching CLAT students for almost 10 years now. And there are certain things that all toppers do. Jitne bhi CLAT ke toppers hain, jo students yahan pe rahe hain, unme ek common habits rahi hain, and I would like to share those with you, because if you want to clear the CLAT exam, then I think aapko bhi ye sab cheeze karni chahiye. So 8 tips from CLAT toppers, or 8 things that all CLAT toppers do. Let us see that. The first thing which is common to all of them is that wo sabse pehle jab apni preparation shuru karte hain, they always refer to at least 5 years previous year papers. To aapke paas hamesha at least pichle 5 saal ke papers होने ही चाहिए. जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनसे अच्छा रेफरेंस आपके लिए कुछ नहीं हो सकता कि अच्छा इस तरह का मेरा पेपर आने वाला है. ओके अब बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि व्हाट इज़ द पॉइंट, ये क्वेश्चन जो आ गया वो तो फिर से नहीं आएगा. ठीक है, पर एटलीस्ट यू नो कि इस पाथ पे आपको काम करना है. ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है. अगर ये एग्जैक्ट पेपर मेरे पास आएगा तो हाउ एम आई गोइंग टू परफॉर्म. सो यू मस्ट रेफर टू एटलीस्ट 5 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर्स for both, I would say, CLAT and IELTS. All right, so previous years is a must. Second, I would like to say that they always aim for rank 1. कभी भी आपका aim सिर्फ selection नहीं होना चाहिए. Aim पहले दिन से होना चाहिए कि मुझे CLAT में first rank लानी है. आप फर्स्ट रैंक के लिए लाने की मेहनत करोगे फिर, क्योंकि इफ़ यू आर वांटिंग टू अचीव दैट माइलस्टोन. ओके, अगर आप सिर्फ सिलेक्शन चाहोगे तो आप सिर्फ सिलेक्शन जितनी मेहनत करोगे. एंड व्हेन यू हैव एन अपॉर्चुनिटी कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतने सारे लोगों के साथ कम्पीट कर रहे हो, तो यू आपको उस प्रोसेस को इन्जॉय करना है. एंड आपको एम करना है कि मेरा नाम यहाँ नहीं आए, मेरा नाम बिल्कुल टॉप पे आए, यानी हाइएस्ट रैंक पे. सो यू मस्ट ऑलवेज एम फॉर रैंक 1. रैंक 1 के लिए एम करोगे तो रैंक 1 लाने जितनी मेहनत करोगे. ठीक है, सो जितने भी टॉपर्स रहे हैं, दे हैव नेवर कम टू मी एंड सेड कि मैम मेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना. नो, दे ऑलवेज से कि मैम आई नीड अ वेरी गुड रैंक, मेरे को सिंगल डिजिट रैंक लेके आनी है, मेरे को डबल डिजिट रैंक लेके आनी है. ओके, सो योर एम शुड ऑलवेज बी कि आई वॉन्ट टू एम फॉर रैंक 1. थर्ड थिंग, कंसिस्टेंसी. इंस्टेड कि 2 दिन हम बहुत लग के पढ़े, उससे बहुत अच्छा है कि आप ना एक रूल बनाओ, दैट इज 5:2 या 6:1. सो आई यूज टू फॉलो 6:1 रूल. कुछ लोग 5:2 भी फॉलो करते, आपकी मर्जी. यानी हफ्ते के 6 दिन पढ़ो और 1 दिन फ्री रहो. आप सोचो मैं 4 दिन पढ़ लूँ और 3 दिन फ्री लूँ, या बस 2 दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लूँ 5 दिन ना पढ़ूँ, उससे नहीं काम चलता. चाहे थोड़ा पढ़ो पर आपको एक कंसिस्टेंसी से पढ़ना पड़ता है. ठीक है, सो मेक श्योर कि आप कंसिस्टेंसी से पढ़ो, और जब आप पढ़ो तो उसी के साथ एक सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सब टॉपर्स करते हैं, दैट इज़ शेड्यूल बना के पढ़ो. बिना शेड्यूल के कोई भी पढ़ाई कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती. शेड्यूल बना के पढ़ोगे, यू विल बी अमेज्ड हाउ मच यू गोइंग टू अचीव. हर संडे नाइट को पूरे वीक का अपना शेड्यूल बनाओ विथ टाइम, कि मंडे को 12 से 2 बजे मैं ये पढ़ूंगा, 2 से 3 मैं ब्रेक लूँगा, 3 से 5 मैंने एक मॉक देना है, 5 से 6 बजे मैं एक ब्रेक लूँगा, 6 से 7:30 मैं ये करूँगा. सो यू मस्ट मेक अ वेरी डिटेल्ड शेड्यूल. आप पूरा डिटेल के साथ शेड्यूल बनाओ, 6 दिन का या 5 दिन का, टोटली योर चॉइस. ओके, एंड अपना 1 या 2 दिन जो आपने फ्री रखना है फ्री रखो. बट उससे क्या होगा, आपको रिजुविनेशन का टाइम भी मिलेगा, और जब आपका शेड्यूल होगा कि आपको ये अचीव करना है, तो यू विल ट्राई एंड स्टिक टू इट, एंड यू विल नॉट डू स्विचिंग. वरना जनरली क्या होता है, हम पढ़ने बैठते हैं कि चलो आई विल स्टडी इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ने लगेंगे, इंग्लिश तो फिर भी आता है, मैं ना थोड़ा सा लीगल पढ़ लेता हूँ. लीगल में क्या पढ़ूँ, कॉन्स्टी. कॉन्स्टी पढ़ने लगा ही, कॉन्स्टी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना शायद क्रिमिनल है, क्रिमिनल पढ़ लेता हूँ. सो ना वी कीप स्विचिंग, तो अवॉइड दैट स्विचिंग. अगर आप शेड्यूल बनाओगे तो आप उसको अच्छे से फॉलो कर पाओगे, प्लस आपको देखिएगा कि मैं एक हफ्ते में कितना कुछ अचीव कर सकता हूँ. एंड by the end of the day, when you will achieve your schedule, you will be very proud of yourself. Okay, so please always make a schedule. That is very important. Fifth, extremely important point.
डोंट रेफर टू मोर देन टू सोर्सेस. किसी भी टॉपिक के लिए दो से ज़्यादा आप सोर्सेज से रेफ़र नहीं करोगे, ना कोई भी जो अच्छा स्टूडेंट रैंक लेके आता है वो करते हैं. कुछ लोग इतने मोटिवेटेड होते हैं दैट दे वांट टू डू सो मच कि कोचिंग का मटेरियल भी ले लिया, ऑनलाइन भी मिल रहा था कुछ वो भी ले लिया, मार्केट से एक बुक भी खरीद ली, एक मेरा फ्रेंड है उसने भी दे दिया, तो हर जगह से इतना पढ़ने की कोशिश करते हैं कि अल्टीमेटली हमारा कोई रिजल्ट ही नहीं आता है. आते जाते चीज़ें पर भी हमें डाउट होने लग जाता है एंड वी लूज़ ऑल द कॉन्फिडेंस. सो आपने प्लीज़ ऐसे नहीं करना. कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, यू हैव टू स्टिक टू टू सोर्सेज मैक्सिमम. फॉर एग्जाम्पल, आपने टॉपिक पढ़ा, अगर आप मेरी क्लास ले गई आपने प्रॉफिट एंड लॉस की, आपको यहाँ से मटेरियल मिला, आपने उसको सॉल्व कर लिया एंड आपने सोचा कि नहीं मुझे एक्स्ट्रा और मटेरियल चाहिए, तो आपने जो बुक है उससे भी सॉल्व कर लिया, दैट इज़ इट. अब आपको तीसरा मटेरियल अगर सॉल्व करने जाओगे ना, तो आपको जो आता जाता है ना, आपको उस पर भी डाउट हो जाएगा. एक क्वेश्चन अगर आपको हल्का सा डिफिकल्ट लगा, यू विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग एवरीथिंग. आपका बेस भी बिल्कुल भूल जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा. आपने बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना. दो सोर्सेज से पढ़ो, उन्हीं को बार बार ही पढ़ते रहो, रिपीटेडली आप सेम सोर्स को पढ़ो. इट इज ऑलवेज सेड रीड द सेम बुक 10 times इंस्टेड ऑफ रीडिंग 10 different books 1 time. तो कभी भी आपने ऐसे नहीं करना. मैक्सिमम 2 sources रखो अपनी किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है. दिस इज वॉट ऑल द टॉपर्स डू. देन One of the most important things that every topper does is that they religiously give mock test. एक common habit होती है बच्चों की कि mock test तो हम नहीं दे रहे, next week से देंगे, 2 हफ्ते बाद से देंगे, अभी मुझे कुछ आता नहीं है, मैं 1 हफ्ता prepare होके दूंगा. क्या होता है, that is just escapism. And आप सोचो कि आप mock test दोगे, आपका score कम आएगा, तो आप demotivate होगे. नहीं, रादर अगर आपका स्कोर कम आएगा तो आपकी आंखें खुलेंगी. यू विल सी योर वीक एरियाज, यू विल नो आपको कहाँ कहाँ मेहनत करने की ज़रूरत है. एंड नथिंग वर्क्स लाइक मॉक टेस्ट. ओके, मुझे कितना ही आता है, मैं 5 साल भी मेहनत कर लूँ, आई वॉन्ट टू गिव क्लैट एग्जाम, मैं 5 साल मेहनत करूँगी, बट अगर मैंने मॉक नहीं दिया मेरा तब भी क्लियर नहीं होगा. और मैंने 6 महीने अच्छे से मेहनत करी और रेगुलरली मॉक टेस्ट दिए, मेरा डेफिनेटली क्लियर होगा. बिकॉज क्लैट एग्जाम इज ऑल्सो अबाउट टाइमिंग. आती जाती चीज़ आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते अगर आप टाइमिंग पे काम नहीं करोगे, ठीक है. सो मॉक टेस्ट आर अ मस्ट. आपको हर वीक मिनिमम 1 mock test देना ही है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर प्रिपरेशन. एंड आई ऑलवेज नो कि जो स्टूडेंट रेगुलरली मॉक देता है उसका सिलेक्शन होगा, और जो बच्चे बोलते हैं कि मैम अभी नहीं दिया, मैम नेक्स्ट वीक से दे देंगे, उनका सिलेक्शन नहीं होता है अनफॉर्चुनेटली. प्लीज़ डोंट कम इन दैट लिस्ट. ऑलराइट, सो हमारा एक ये हो गया मॉक टेस्ट देना. एंड उसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि मॉक टेस्ट एनालिसिस. मॉक टेस्ट देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट का एनालिसिस. आई वुड से रादर इक्वल इम्पॉर्टेंट है मॉक टेस्ट का एनालिसिस. जब आपने मॉक टेस्ट दिया उसके बाद जो क्वेश्चंस आपके गलत थे, सपोज आपके आपके 30 questions गलत हैं मॉक में, सो आपने ये नहीं देखना कि बाकी मेरे करेक्ट है, चलो मेरी ये रैंक आ गई. नो, आपने देखना है वो 30 questions मेरे क्यों गलत हैं, और उनसे रिलेटेड डिटेल्स आपने अपने एक रजिस्टर में मेंटेन रखनी है. यू केम अक्रॉस सर्टेन वर्ड्स जिनका आपको मतलब नहीं पता था, कोई फैक्ट ऐसा जो आपको नहीं पता था, वो सब एक रजिस्टर मेंटेन करो, एक सिंगल रजिस्टर, उसमें लिखते जाओ, कि जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब आपको रिविजन करनी हो तो उस रजिस्टर में से आप सारी चीज़ें रिवाइज कर सकते हो. आपको अलग अलग चीज़ें हंट करने की ज़रूरत नहीं है. सो मॉक टेस्ट एनालिसिस is very important. And the last thing that I would like to say is newspaper reading. आपका पूरा क्लैट का मॉक is comprehension based and speed के ऊपर based है आपका पूरा मॉक, पूरा आपका एग्जाम. एंड आप देखोगे बहुत सारी चीजें आपकी न्यूज़पेपर से आती हैं, तो आपको इन एनी केस आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो सब चीज़ों के साथ साथ आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना ही है. इट कैन बी एनी न्यूज़पेपर, आप कोई भी ले लो, बट हम अपने कोचिंग में सजेस्ट करते हैं जनरली इंडियन एक्सप्रेस, बिकॉज वी फाइंड दैट अ वेरी न्यूट्रल न्यूज़पेपर एंड वेरी स्टूडेंट फ्रेंडली ऑल्सो.
आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो या आपको जो भी अच्छा लगे, यू कैन रीड एनी इंग्लिश न्यूज़पेपर। आपने न्यूज़पेपर से कभी भी नोट्स नहीं बनाने होते। बहुत सारे बच्चे न्यूज़पेपर इसलिए नहीं पढ़ते बिकॉज दे फाइंड दैट इट इज़ अ वेरी टीडियस टास्क। न्यूज़पेपर लेंगे, उसमें से फिर इतना सारा डेटा लिखना पड़ेगा, कटिंग्स लेनी पड़ेंगी, ऐसा आपने कुछ नहीं करना होता। आपको सिंपली न्यूज़पेपर उठा के उसको पढ़ना होता है, और आपको पूरा न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ना होता कि आप देख के सोचो ये कितना बड़ा न्यूज़पेपर पढ़ना है। नहीं, जस्ट रीड हेडलाइंस, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ एंड एडिटोरियल्स, दैट इज इट। आपने सिर्फ इतना पढ़ना होता है। जब आप ये चीज़ें पढ़ोगे तो आपको बस एक एक्सरसाइज करनी होती है, इनमें जो ऐसे वर्ड्स आए जिनका आपको मीनिंग नहीं पता उसको आपको एक रजिस्टर में लिखना होता है, रजिस्टर में डिफिकल्ट वर्ड्स। बस कोई न्यूज़पेपर कटिंग नहीं लिखनी, कोई नोट्स नहीं बनाने। यू केम अक्रॉस अ वर्ड दैट यू डिड नॉट नो द मीनिंग ऑफ, ये नहीं कि अच्छा हो गया, नहीं, जस्ट गूगल इट व्हाट इज़ द मीनिंग एंड राइट इट इन दैट रजिस्टर। आप में इतनी ज़्यादा आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाएगी, आपकी स्पीड इतनी बढ़ जाएगी, यू विल बी एब्सोल्युटली यू नो स्पेल बाउंड एंड यू विल बी सो हैप्पी कि आपकी इतनी अच्छी प्रिपरेशन हो गई है, राइट? तो आपको ये चीज़ करनी है। सो लेट मी जस्ट क्विकली ब्रीफ यू कि टॉपर्स क्या करते हैं, एंड अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे नोबडी कैन स्टॉप यू। सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को रेफर करो। आपके पास हमेशा पिछले 5 साल के पेपर्स होने चाहिए, क्लैट के एंड आईलेट के, ओके? दैट इज योर बेस्ट सोर्स फॉर रेफरेंस। पहले दिन से फर्स्ट रैंक के लिए एम करो। आप मेहनत कर रहे हो, मेक योर सेल्फ प्राउड। सिर्फ सिलेक्शन नहीं करना, यू हैव टू मेक योर सेल्फ प्राउड एंड यू मस्ट एम फॉर रैंक 1, ठीक है? कंसिस्टेंसी पढ़ो। आई एम नॉट सेइंग कि अभी से पढ़ना तो क्लैट एग्जाम तक पढ़ते ही रहो, नहीं, हफ्ते के 6 दिन पढ़ो, हफ्ते के 5 दिन पढ़ो, बट आपने उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है। एक दिन अपना रिज्यूमिनेशन के लिए रखो, उस दिन चाहे आप कितने फ्री हो मत पढ़ो, आप कहीं बाहर चले जाओ, स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स, डू एनीथिंग दैट यू वांट, ओके? सो डोंट स्टडी दैट डे, ऑलराइट? हमेशा शेड्यूल बना के पढ़ो, मेक अ फिक्स शेड्यूल कि मेरे को ये चीज़ फॉलो करनी है, उसको फॉलो करो। प्लीज़ अवॉइड एवरीथिंग एल्स ड्यूरिंग दैट डे। जो आपने अपना एक फ्री डे रखा है उस दिन अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करो, ऑलराइट? 2 से ज़्यादा सोर्सेज से मत पढ़ो, चाहे कितना ही आपका मन कर रहा है, कितना लुक्रेटिव लग रहा है, प्लीज़ डोंट स्टडी फ्रॉम मोर देन 2 सोर्सेज। रेगुलरली मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट के साथ मॉक टेस्ट का एनालिसिस करो, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज न्यूज़पेपर रीडिंग। डेली न्यूज़पेपर पढ़ना ही है। जब भी आप अपनी पढ़ाई शुरू करते हो तो डेली आपको 2 काम होने चाहिए कि पढ़ाई से पहले मेरे को आज का न्यूज़पेपर पढ़ना है एंड जो मैंने पिछले दिन पढ़ा था उसकी रिविजन करनी है। ये 2 चीज़ें करने के बाद ही आप उस दिन की नई पढ़ाई करोगे। तो अगर आपने ये 8 चीज़ें फॉलो कर ली, नथिंग कैन स्टॉप यू। एंड आई रियली होप दैट दिस गाइडेंस, दिस लेक्चर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, यू कैन ऑलवेज राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू विद दैट, ऑलराइट? सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड टूडे एंड आई विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।